वालेकुम जिसम की भूख तो लड़कियों को भी, भी होती है अगर ना होती तो वो एक अनजान लड़के, लड़के के साथ ना जाती बल्कि अनजान लड़के की क्या मजाल जो उसे होटल तक ले जाए रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता मेरे नज़दीक मुखलसी का रिश्ता है यानी मुफाद से हटके सिर्फ और सिर्फ अपनियत का एहसास होना जिंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलवाती है कि जो आपके साथ बगैर किसी मुफाद और लालच के होते हैं जब गुनाह के कामों में दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है ये तीन चीजें इंसान को मट्टी में मिला सकती हैं नंबर एक अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना नंबर दो अपने गुनाहों को भूल जाना और नंबर तीन अपने अल्लाह का जिक्र ना करना जब अल्लाह ताला तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामल यकीन रखो क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा इंसान के तीन हिस्से हैं, हैं। उनमें से एक, एक हिस्सा अल्लाह का एक, एक अपना एक, एक, एक हिस्सा कीड़ों का पस पस जो, जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है जो हिस्सा अपना है वो जो अमल है मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता कम वक्त अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर अपनी महबूबा को जरा सी भी आँच नहीं आने देगा पांच चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि सल्लम है कि ये पांच चीजें जिस इंसान में हूँ उसे, उसे तबाह और बर्बाद, बर्बाद कर देती हैं है। नंबर एक जब बूढ़े अपने आप को जवान जाहिर करने लगें। नंबर दो जब कारियों में माल का हिरस पैदा हो जाए नंबर तीन जब आला हसबो नस्ब वालों में हया कम हो जाए नंबर जब मालदारों में बखल और कंजूसी आ जाए और नंबर जब बादशाह में तेजी आ जाए सब मर्द एक से नहीं होते मगर फार्मूला सब पर एक ही अप्लाई होता है जो महरम है वो मर्द आपके लिए अच्छा है और जो महरम नहीं है वो चाहे आपको जिस रिश्ते से भी पुकारे वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता अक्रम सल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदों में बदतरीन बंदे वो हैं जो इधर उधर की चुगलियां लगाते फिरते हैं दोस्तों में जुदाई डलवाते हैं और पाक लोगों पर तोहमत लगाते हैं अपनी जिंदगी की बदतरीन दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आप आहरकार, उन लोगों के चेहरे पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं इंसान अपना टूटा हुआ मान ला दुआ और बेएतबार मोहब्बत कभी नहीं भूलता मर्द दो औरतों से शादी नहीं करता पहली वो जो बगैर नका के उसकी दस्तरस में हो दूसरी वो जो उससे ज्यादा और अकलमंद हो हजरत इमाम अलैह फरमाते हैं ईमान तीन चीजों से मुकम्मल होता है भले काम करना और उनका हुक्म देना बुरे कामों से परहेज करना और दूसरों को उनसे बाज रखने की कोशिश करना और हदूद इलाही की करना। जब, जब इंसान को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो वो सबसे पहले अपनी जुबान, अपनी जुबान से मिठास को खत्म कर देता है। दो चीजें इंसान की, की पहचान बनती हैं: उस वक्त किया गया सबर जब, जब इंसान के पास कुछ ना हो और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो जब शोहर बीवी से अलग और खामोश रहने लगे और बीवी के साथ कुछ शेयर ना करे तो समझ जाए कि वो अब किसी और से दिल लगा बैठा है जब सामने वाले को पता चल जाए कि आप उसके बगैर जी नहीं सकते फिर वो आपको जीने नहीं देता रात के अंधेरे में औरत के साथ सोना मर्दानगी नहीं दिन के उजाले में उसे अपने नाम की चादर देना मर्दानगी है